आओ ना शो ना। अबे यार छोड़ो ना, इसको छोड़ें। जैसी जिंदगी वैसे ख्वाब, एक यही तो राज है हमारे। चल यहाँ से। कौन उठता है, कौन उठता है इस तरह ये चादर ऊपर करके? और मैं तो उठ गया। हमें तो चप्पल लाते घूसे पानी सब पड़ता है, इतना जलील। अच्छा खासा मियाँ खलीफा बुर्ज खलीफा के पास खड़ा हुआ था, तस्वीर ले रहा था। पहली फुर्सत में निकल, नहीं एकदम से उड़ता हुआ आया था क्या? उड़ता हुआ बिल्कुल ना, मैं ऐसे फू। खैर आपको बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं पनौती हूँ। पनौती हूँ, लाइट चली गई। खैर ओवर कैमरे को भी नहीं, मैं फर्स्ट टाइम ही अपना पूरा करूंगा। मैं जा रहा हूँ छत पे, मतलब मेरा अटैच है। और ऐसे ही करके मैं एक मिनट छोड़ नहीं, एक मिनट कांता भाई, कांता भाई मोबाइल कांता बे बहुत मेहरबानी आपकी, कपड़े तो धो नहीं पा रही हूँ, मोबाइल एक। क्या हल्ला हो रहा है? चुप कर कुत्ते, सो जा। आजकल की मासूम को कुछ बोलो तो फिर घर वाले, आपको पता है इसको क्यों बोल दिया? ये थोड़े तार हमारे है ना, ऐसे करके ये वाईफाई की डिवाइस ऐसी लटकी है, तारों में भरी जिंदगी हमारी फुल उलझी हुई ऐसे करके। टनन टनन थोड़ा सा दिमाग खुला ना, आपको पता है तकिया भी पड़ गया, हर चीज पड़ गई, तो इस वजह से तो हम इस तरह करके बैठते हैं यूं करके चारपाई पे। अबे क्या है ये, अल्लाह की कसम बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मुझे। पता है इंतहाई लेम हरकतें कर रहा हूँ। टेक टू टाना, कमरे में मिलता हूँ, लाइट वाइट का कुछ सेटिंग करूँ, लाइट वाइट का कुछ सेटिंग करूँ। अबे भाई स्टार्ट हुई थी। तो ये हैं आपके नामी ग्रामी हुसैन तरीन साहब, क्योंकि बात ये मैं बहुत मुश्किल हो रहा है पाशा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है मैं हुसैन तरीन, जानते होंगे जो नहीं जानते वो जान जाएंगे, कोई मसला नहीं है। अल्लाह बहुत बड़ा है, आपकी चाहते हैं, आपका प्यार दिखाने का अंदाज बहुत अच्छा है, निराला है, मुझे नहीं पता चल रहा, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, क्या बोल रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अजाने हो रही है, सबसे मेन टेंशन ये है कि मेरी अम्मी ऊपर आएंगी, इस बार मुझे तकिया नहीं मारेंगी, इन घरों से धुलाई होगी और अजाने हो रही है, अल्लाह भी नाराज हो रहा है। मैं हुसैन तरीन, बात सिर्फ इतनी सी है कि व्लॉग बना रहे हैं। और फर्स्टली एक बात बता दूं, मैं हैदराबाद से हूं, आप लोग मुझे हर शहर का बना देते हैं, मेरे पास इतने घर नहीं है भाई, एक हैदराबाद में दो घर दिए मेरे मालिक ने, रहने दीजिए। खैर हम जा रहे हैं भाई, कहाँ? कराची, करांची, करांची, चावल खाऊंगा चावल, चावल खाऊंगा चावल। बहुत ज्यादा सरप्राइजेस हैं, मजा आने वाला है, मेरी पूरी कोशिश है, फर्स्ट टाइम है, कोई गलती हुई हो तो माफ। ऐसे करके हम वापस जाते हैं। ये उसके पीछे मुझे पता है ना कुर्सी लगी हुई, टाइम नहीं है, टाइम तो वैसे ही सारा बर्बाद कर। इसको छोड़े, मेरी सुने आप, मेरी क्या सुनेंगे, क्या सुनेंगे, मेरी हालत है कुछ सुनाने वाली, पूरी रात से नहीं सोया हुआ, मेरी आंखें बिल्कुल लटक गई। खैर कैसे सोऊंगा, समझ ही नहीं आ रहा क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। आज ना सोने की वजह ये नहीं है कि स्नैपचैट स्क्रॉल कर रहा हूँ, इंस्टा स्क्रॉल कर रहा हूँ, बच्ची तो अपनी आई नहीं, आपको पता है, आपस की बात है। खैर आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। आएगा भी कैसे, आओ दिखाता हूँ। ये और हम लोग निकल चुके हैं अपनी मंजिल की जानिब, मतलब हमारा नेक्स्ट मिशन। ट्रैफिक का तो मसला कराची में होता ही है तो उसे इग्नोर करते हैं। आपको अभी तक नहीं पता होगा कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों, कैसे, तो सस्पेंस में ही रहे तो अच्छी बात है ना। आ जाओ चलें। और जैसे कि हम लोग वेन्यू पे पहुंच चुके हैं और हमारे साथ एक देखें आप कौन है और जिसका सबको इंतजार था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो वो शो अब एंड हो चुका है, तो बस थोड़े से क्लिप्स हैं।
बनाते, खुद ही बना रहे हो? ट्राइपॉड पे बस शुरू से। किसी ने हेल्प नहीं की घर में वीडियो बनाने में? नहीं, वो बहन वगैरह को अगर बोलो तो फिर उनके और काम करने पड़ते हैं। हाँ, मेरा ये सामान ही लेके आया, वो सामान नहीं, फिर ये भी है, तो ये तो बड़ा मसला होता है। तो इसलिए आपने कहा खुद ही हर फन वाला कंटेंट कौन बनाता है, क्या कौन से डायलॉग सेलेक्ट करते हो कि ये इस पे हंसी आएगी, इस पे हंसी आएगी? ज्यादातर फनी कंटेंट्स हैं, मतलब खुद पहले वीडियो देखते हैं, जो दिमाग में आए बस बना दो। जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे ये, और जो सही एकदम रैपचिक एकदम, सॉरी एक्चुअली मैं बिल्कुल फॉर्मल बना हूं तो अच्छा आना चाहिए। ये पीछे मेरा छोटा भाई, इसकी हालत देखें, पोज देख रहे हैं आप, ऐसे करके यहाँ पे शूट पे आए हुए थे हम लोग, तो बहुत अच्छी शूट चली। एकदम हमें एक बंदा दिखता है ऐसे मकड़ाया हुआ, बिल्कुल यासिर भाई, जैसे कि यासिर भाई इनका देख रहे हैं आप, फुल ऐसे जैसे अदाओं में। भाई जान कहाँ है, अच्छा नहीं है, माना शक्ल अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आ जाओगे अच्छे, कैमरा है भाई, DSLR पता नहीं है क्या, अच्छे आओगे। तो अभी हमें बहुत ज़्यादा जगह जाना है, बहुत सारी जगह जाना है, लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा की तरह शेव वगैरह कुछ भी नहीं कराई हुई, तो मैं एक काम करता हूँ, शेव सब कुछ रेडी होके फिर आपसे मिलता हूँ। कहाँ पे? यहाँ पे जाना था, टाटा। हेलो, तो इस तरह लाइट बंद हो गई, तो ये तो होता रहता है, आपको पता है, जहाँ पे भी जाता हूँ वहाँ पे ऐसी हरकत हो जाती है मेरे साथ। खैर, हम आए हुए थे आज बोल न्यू बोल लाइट्स में, और हमारे साथ ये देख रहे हैं सबके क्रश, मुझे बहुत अच्छा लगा, नो डाउट, समझ जाए एक्सप्रेशन से, समझ जाए आप थोड़ा बात। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत टैलेंटेड है ये, जितने भी आज लोग आए हुए थे, एंड ही इज आल्सो वेरी टैलेंटेड, और इनका चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें। कसम से मैंने एक मतलब कुछ भी नहीं बोला पहले, सच्ची तारीफ है, झूठी तारीफ नहीं करवाई, कुछ भी नहीं बोला मैंने, आपके हाथ पाँव तो नहीं दबाए ना, नहीं बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, अच्छा चैनल अब दबाऊंगा, डरा दिया। आइए नाजी, नाक को दिखाते हैं कोरोना वायरस। पतोड़े जैसी नाक वाला ये मखलूक अब बन गई है ऐसी। हाशिर भाई, इनकी अम्मी ने डरे हुए थे, हम लोग आ गए ऐसे करके, बोलूंगा तोड़ जाएंगी, इसके साथ साथ मैं भी निकल जाऊंगा। खैर, घर पे वापस आ चुके हैं, और बात ये है कि बहुत थका हुआ हूं, पिज्जा आया है, पिज्जा भाई वो भी तलना आया है, कसम से दो घंटे अभी इतनी बातें समझ में नहीं आ रही होंगी ना, कल मिलते हैं ना, और फिर खत्म करते हैं सब। आई लव यू, कीप सपोर्टिंग। थोड़ा बहुत छेड़ना भी होता है ना, टाटा। और इस दिन हम लोग घर पे वापस आ चुके हैं, घर पे तो दावत चली है, और मेरा नाम ले लिया है मैंने, तो पहली बार टीवी पे, क्या बोलते हैं घर वाले, आओ देखते हैं, यहाँ पे दावत चली है, जैसे तो करके भी कमरे में आ जाओ, और ये पता नहीं कौन है भाई, मेहमान आए हुए दिख नहीं रहा आपको, मेहमान आए हुए दिख नहीं रहा आपको, तमीज से बात नहीं होती आपसे, दिमाग खराब मत करो, अम्मी बहुत ज्यादा गुस्से में, समझ आई, आपकी यूनिवर्सिटी से फोन आ चुका है कि आपके जो है पेपर मिस चल रहे हैं, चुप करके बैठा करो, जाओ यहाँ से भी बताते हैं, ऐसी बेइज्जती होती रहती है, अब उसको छोड़े। और सबसे पहली बात कि अम्मी से मिलना बहुत मुश्किल हो जाए, तो हम यहीं बैग रखते हैं, और ऊपर दोस्त आए हुए उनसे मिलते हैं। खवातीन व हज़रात, अबे वो फूड पांडा वाले आसमान ज्यादा। चलो, तो इस तरह हम लोग आ गए हैदराबाद अपने शहर वापस, हमने ये तो यही मरे रहते हैं, ये निहाल भाई हमारे, ये फूड पांडा वाला, इसने अभी अभी जॉब लिया, चुप कर, पूछा नहीं है किसी ने, ये हसु हमारे दोस्त, ये फसी काजी, और पीछे मुड़ते हैं वो बाल बाल समेट रहे थे, जैसे कैमरे की तरफ आए उन्होंने ऐसे ही फुल नजाकत के साथ ना ऐसे ये बैठ के लूडो वगैरह खेल ले, सही है भाई, कर दो करना है कुछ, बस बस। तो बहुत मजा आया व्लॉग में, आपने देखा क्या हो गया तुझे, इसको आप देख लें, सब कुछ छोड़े, व्लॉग छोड़े, ऐसी नीच शक्ल लेके, हंस मत ज्यादा, इतने आई
आप कुछ बोलना चाहेंगे? चले चले आखिरी में बोल जल्दी आ जाए आ जाए जल्दी आ जाए। ये जब घर में कोई ऐसे कोई मसला हो ना तो ये हाँ फूट पर डाला वगैरह नजर उतारने के लिए इंतहाई गंदा मुंह है बिल्कुल देख सकते हैं और अपनी बेइज्जती पे असर ताकि कोई इतना वो ना हो है ना। ठीक है चलो तो फिर हम थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं लगा दिया मैं। हम फिर जाते हैं क्योंकि थके हुए बहुत हैं और ये सारे ऐसे आए हुए हैं फिर थोड़े यहाँ पे भी हैवी सीन है आपको पता है सोना वोना होता नहीं हमें फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। कोई गलती हुई हो व्लॉग में तो फर्स्ट टाइम था सटा ये बनाने भी नहीं देंगे आपको पता है बहुत पहने के यार क्या बताऊं पहला व्लॉग था पसंद आएगा आया होगा होपफुली कुछ ना कुछ करके आया होगा भाई इसकी शक्ल कैमरे में ही है कि मैं आ रहा हूँ मैं प्यारा आ रहा हूँ। चलें मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़ कीप सपोर्टिंग लव यू। कैसा लगा गुची गुची को? खैर ओवर एक्टिंग हम खत्म करते हैं इसी तरह हम अपने फर्स्ट व्लॉग और कराची के सफर को यहाँ पे खत्म करते हैं। बराबर में सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा है ना टन टन बेल आइकन भी होगा टन 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 जैसे फ्लैट में नहीं उतरते थे किसी की भी घंटी बजा दो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। यहाँ पे कोई नहीं पूछेगा तंग करते रहो कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा आपको मैं बैठा हूँ यार आपको देखने के लिए बस मुझे इसी तरह सपोर्ट करना है। सही है अभी तो और असली है तो और मेरे तमाशे आपको देखने हैं फर्स्ट टाइम था मुझे पता है बहुत सारी गलतियाँ की होंगी मैंने बहुत। खैर अब जब मिलेंगे ना तो बहुत हैवी सीन के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह टाटा।